दोस्तों अभी तो बारिश का मौसम है और रोज बारिश आ ही जा रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर कॉमन है, हम लोग बारिश में भीग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसा पत्ता है जो कितना भी बारिश हो वो भीगता नहीं है। तो यह पत्ता है कमल का पत्ता, जो कि यहाँ पर बहुत ही सारा अवेलेबल है। तो दोस्तों आज हम लोग कमल के पत्ता जो सुपर हाइड्रोफोबिक है इससे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए भैया इसके अंदर जा रहे हैं और फिर इसको तोड़ के लाएंगे, तब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मुझे तैरना तो आता है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ में उगता है तो पता नहीं इसमें इसके अंदर कितना कीचड़ होगा। फिर भी मैं जा रहा हूँ अंदर, देख रहा हूँ क्या होता है। वो तो खत्म हो गया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है यह कमल का फूल, जो हमारे देश का एक राष्ट्रीय फूल है। और इसके बीच में ये देख सकते हैं क्या है, मैं पहली बार इसको देख रहा हूं, मैं अभी तक इसको करीब से नहीं देखा था, इस कमल के फूल को। अब मैं इसमें से कुछ पत्ते तोड़ लेता हूं ताकि हम लोग बाहर निकल के तब इससे एक्सपेरिमेंट कर पाए। अभी तो यहां पर बहुत ही तेज बारिश हो रहा है, तो दोस्तों मैं इस पत्ता को अपने शरीर में पहनने जा रहा हूं जिससे कि मैं बारिश में जाने पर भीग नहीं सकता हूं। तो चलिए देखते हैं इसे पहन लेने पर, बारिश में जाने पर भीगते हैं या नहीं। तो चलिए इसे पहनते हैं। ये रहा मेरा टोपी, अब मैं बारिश में जा रहा हूँ, फिर देखते हैं भीगता हूँ या नहीं। दोस्तों कमल का पत्ता छूने पर बहुत ही मुलायम लगता है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके सरफेस पर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी हेयर्स के जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिनके बीच का दूरी 10-15 माइक्रोमीटर है, जो इसको रफ सरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे वाटर का सरफेस टेंशन वाटर के मॉलिक्यूल को होल्ड किए रह जाता है। और इस कारण से कोई भी वाटर इस पर जब डालते हैं तो यह स्पीयर शेप में आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे स्पीयर शेप में आ गया है। कमल के पत्तों में वैक्सी कंपाउंड भी होता है, इन सब कारणों से कमल का पत्ता सुपर हाइड्रोफोबिक बन जाता है। इसमें एक और खूबी है, यह वैक्सी कंपाउंड होने के बाद भी डर्ट को अपने अंदर चिपकने नहीं देता है, क्योंकि इसके हेयर के टिप पर ही डर्ट रह जाता है, जो एक ही वाटर पर धुल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ इस पर डर्ट रख रहा हूँ, और देखिए इसमें डर्ट नहीं लग पाएगा। ओहो, देख सकते हैं कितना भी मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, लेकिन इस पर डर्ट नहीं लग रहा है, पानी की तरह ही यह अलग हो जा रहा है। अब मैं इसमें पानी भी डाल दे रहा हूं ताकि यह कहीं चिपक सके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह चिपकेगा। ओह देखिए कैसे डर्ट वाला भी पानी निकल गया आसानी से। तो दोस्तों मैं इस पत्ते वाले कपड़े में कैसा दिख रहा हूं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे ही हम लोग इसको बना रहे थे तब तक बारिश छूट गया है, लेकिन यहां पर पानी की बूंदे गिर रहा है, तो चलिए देखते हैं यहां पर मैं भीग रहा हूं या नहीं। यहां पर मैं जा रहा हूं, मैं
यहाँ पर नहीं है पत्ता, वहीं पर मैं भीग रहा हूँ। अब मैं इस ऊपर वाले पत्ता को हटा रहा हूँ और फिर शरीर पर पानी आएगा, फिर देखते हैं मेरा शरीर भीग जा रहा है या नहीं। इसको मैं अलग हटा ले रहा हूँ, वो हट गया। अब देखते हैं, ये देखिए अभी मेरा शरीर भीग नहीं रहा है और पानी पूरा फिसल के अलग चला जा रहा है। तो चलिए अब इस पत्ता को अलग हटाते हैं और फिर देखते हैं मेरा टी शर्ट भीगा है या नहीं। वो देख सकते हैं पत्ता ने मेरे टी शर्ट को प्रोटेक्ट कर लिया है और पानी से थोड़ा सा भी नहीं भीगा है, जबकि मैं उतना देर खड़ा था पानी में। यहाँ पर देख सकते हैं सूखा है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।